निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत विद्या कला का शोधन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद पूर्ववर्तिनी कला प्रतिष्ठा के साथ विद्या कला का संधान करें तथा पूर्ववत उसमें तत्व वर्ण आदि का चिंतन भी करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम हा ही हूँ हा, ये संधान मंत्र है। राग शुद्ध विद्या, नियति कला, काल माया तथा अविद्या, ये सात तत्व तथा र ल व श श स, ये छह वर्ण विद्या कला के अंतर्गत बताए गए हैं। प्रणव आदि 21 पद भी उसी के अंतर्गत हैं। अब रुद्रों और भुवनों का स्वरूप बताया जाता है। प्रमथ, वामदेव, सर्वदेव उद्भव, भवोद्भव, वज्रदेव, प्रभु, धाता, क्रम, विक्रम, सुप्रभ, बुद्ध, प्रशांतनामा, ईशान, अक्षर, शिव, सशिव, बभ्रु, अक्षय, शंभु, अदृष्ट रूपनामा, रूपवर्धन, मनोन्मन, महावीर, चित्रांग तथा कल्याण, ये 25 भुवन एवं रुद्र जानने चाहिए। विद्या कला में अघोर मंत्र है, म और र बीज हैं, कुशा और हस्त जिह्वा दो नाड़ियां हैं, व्यान और नाद ये दो प्राण वायु हैं, एकमात्र रूप ही विषय है, पैर और नेत्र दो इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श तथा रूप ये तीन गुण कहे गए हैं, सुषुप्ति अवस्था है और रुद्रदेव कारण है। भुवन आदि समस्त वस्तुओं को भावना द्वारा विद्या के अंतर्गत देखें। इसके लिए संधान मंत्र है, ओम हूं हैं हा। तत्पश्चात रक्तवर्ण एवं स्वस्तिक के चिन्ह से अंकित त्रिकोणाकार मंडल का चिंतन करें। शिष्य के वक्ष में ताड़न, कलापाश का छेदन, शिष्य के हृदय में प्रवेश, उसके जीव चैतन्य का पाश बंधन से वियोजन तथा हृदय प्रदेश से जीव चैतन्य एवं विद्या कला का आकर्षण और ग्रहण करें। जीव चैतन्य का अपने आत्मा में आरोहण करके कलापाश का संग्रहण एवं कुंड में स्थापन भी पूर्वोक्त पद्धति से करें। कारण रूप रुद्र देवता का आवाहन पूजन आदि करके शिष्य के प्रति बंधनकारी न होने के लिए उनसे प्रार्थना करें। माता पिता का आवाहन आदि करके सशु शिष्य के हृदय में ताड़न करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार पहले अस्त्र मंत्र द्वारा हृदय में प्रवेश करके जीव चैतन्य को कलापाश से विलक करें, फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण करके अपने आत्मा में संयोजन करें, फिर वामा उद्धव मुद्रा द्वारा वागीश्वरी देवी के गर्भ में उसके स्थापित होने की भावना करें। इसके बाद देह संपादन करें, जन्म अधिकार भोग लय स्रोत शुद्धि तत्व शुद्धि निशेष मलकर्मादि के निवारण पाशबंधन की निवृत्ति एवं निष्कृति हेतु स्वाहांत अस्त्र मंत्र से सब आहुतियां दें। तदनंतर अस्त्र मंत्र से पाश बंधन को शिथिल करना, मल शक्ति का तिरोधान करना, कलापाश का छेदन मर्दन वर्तुलीकरण दाह अंकुराभाव संपादन तथा प्रायश्चित कर्म पूर्वोक्त रीति से करें। इसके बाद रुद्रदेव का आवाहन पूजन एवं रूप और गंध का समर्पण करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम रूप गंधव शुक्लम रुद्रम ग्रहाण स्वाहा। शंकर जी की आज्ञा सुनाकर कारण स्वरूप रुद्रदेव का विसर्जन करें। इसके बाद जीव चैतन्य का आत्मा में स्थापन करके उसे पाश सूत्र में निवेशित करें, फिर जलबिंदु स्वरूप उस चैतन्य का शिष्य के सिर पर न्यास करके माता पिता का विसर्जन करें। तत्पश्चात समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति का विधिवत हवन करें। विद्या में ताड़न आदि कार्य पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए। अंतर इतना ही है कि उसमें सर्वत्र अपने बीज का प्रयोग होगा। ये सब विधान पूर्ण करने से विद्या कला का शोधन होता है। निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत शांति कला का शोधन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद पूर्वोक्त मार्ग से विद्या कला का शांति कला के साथ विधि पूर्वक संधान करें। उसके लिए मंत्र है, ओम हा हूं हा। शांति कला में दो तत्व लीन है, वे दोनों हैं ईश्वर और सदाशिव, हकार और शकार, ये दो वर्ण कहे गए हैं। अब भुवनों के साथ उन्हीं के समान नाम वाले रुद्रों का परिचय दिया जा रहा है। उनकी नामावली इस प्रकार है, प्रभाव समय शुद्र विमल शिव धन निरंजन अंकार सुशीरा दीप्ताकरण रदशेश्वर कालदेव सूक्ष्म और अम्बुजेश्वर यभुजेश्वर, ये 14 रुद्र शांति कला में प्रतिष्ठित हैं। व्योम व्यापिने व्योम रूपाय सर्वव्यापिने शिवाय अनंताय अनाथाय
अनाश्रिताय ध्रुवाय शाश्वताय योगपीठ संस्थिताय नित्य योगिने ध्यानाहराय, ये 12 पद हैं। पुरुष और कवच ये 2 मंत्र हैं। बिंदु और जकार ये 2 बीज हैं। अलंबुषा और यशा ये 2 नाड़ियां हैं। क्रकर और कूर्म ये 2 प्राण वायु हैं। त्वचा और हाथ ये 2 इंद्रियां हैं। शांति कला का विषय स्पर्श माना गया है। स्पर्श और शब्द ये 2 गुण हैं और एक ही कारण है, ईश्वर इसकी तुरिया अवस्था है। इस प्रकार भुवन आदि समस्त तत्वों की शांति कला में स्थिति का चिंतन करके पूर्ववत ताड़न छेदन हृदय प्रवेश चैतन्य का वियोजन आकर्षण और ग्रहण करें, फिर शांति के मुख सूत्र से चैतन्य का आत्मा में आरोहण करके कला का ग्रहण कर उसे कुंड में स्थापित कर दें। तदनंतर ईश से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ईश, मैं इन मुमुक्षु को तुम्हारे अधिकार में दीक्षित कर रहा हूं, तुम्हें इसके अनुकूल रहना चाहिए। फिर माता पिता का आह्वान आदि और शिष्य का ताड़न आदि करके चैतन्य को लेकर विधिवत आत्मा में योजित करें। तत्पश्चात पूर्ववत माता पिता के संयोग की भावना करके उद्भवा नाड़ी द्वारा उस चैतन्य का हृदय मंत्र से संपुटित आत्मबीज के उच्चारण पूर्वक देवी के गर्भ में नियोजन करें। देहोत्पत्ति के लिए हृदय मंत्र से, जन्म के हेतु शिरो मंत्र से, अधिकार सिद्धि के लिए शिखा मंत्र से, भोग के निमित्त कवच मंत्र से, लय के लिए शस्त्र मंत्र से, स्रोत शुद्धि के लिए शिव मंत्र से तथा तत्व शोधन के लिए हृदय मंत्र से 5-5 आहुतियां दें। इसी तरह पूर्ववत गर्भाधान आदि संस्कार भी करें। कवच मंत्र से पाश की शिथिलता एवं निष्कृति के लिए 100 आहुतियां दें। मल शक्ति तिरोधान के उपदेश से शस्त्र मंत्र द्वारा 5 आहुतियों का हवन करें। इसी तरह पाश वियोग के निमित्त भी 5 आहुतियां देनी चाहिए। तदनंतर अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके विजयुक्त अस्त्र मंत्र रूपी कटार से पाश का छेदन करें। उसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम हौं शांति कला पाशाय नमः, हौं हूं फट। इसके बाद पाश का विमर्दन तथा वर्तुलीकरण पूर्ववत अस्त्र मंत्र से करके उसे धृत से भरे हुए श्रुव में रख दें और कला संबंधी अस्त्र मंत्र द्वारा उसका हवन करें। फिर पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 आहुतियां दें और प्रायश्चित निवारण के लिए 8 आहुतियों का हवन करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम अस्त्रायो पट। फिर हृदय मंत्र से ईश्वर का आह्वान करके पूजा तर्पण करने के पश्चात उन्हें विधि पूर्वक शुल्क समर्पण करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ईश्वर बुद्ध अहंकारो शुक्लम स्कृहाण स्वाहा। इसके बाद ईश्वर को शिव की ये आज्ञा सुनावे, ईश्वर इस पशु के सारे पाश दग्ध हो गए हैं, अब तुम्हें इसके लिए बंधन कारक होकर नहीं रहना चाहिए। यूं कहकर ईश्वर देव का विसर्जन करें और रौद्री शक्ति से आत्मा को नियोजित कर दें। जैसे ईश ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर आश्रय दे रखा है, उसी प्रकार शिष्य के जीवात्मा को गुरु अपने आत्मा में नियोजित करे। फिर शुद्धा उद्धव मुद्रा के द्वारा इसके सूत्र में संयोजना करे और मूल मंत्र से शिष्य के मस्तक पर अमर बिंदु स्वरूप उस चैतन्य सूत्र को रखे। तदनंतर पुष्प आदि से पूजित अग्नि के पिता माता का विसर्जन करके विज्ञ पुरुष समस्त विधि की पूर्ति करने वाली पूर्णाहुति प्रदान करे। इसमें भी पूर्ववत ताड़न आदि करना चाहिए, विशेषतः कला संबंधी अपने बीज का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार शांति कला की शुद्धि बताई गई।